असलम नाजरीन यासमिन तयबी आपकी खदमत में हाजिर है इमिग्रेशन से मुतक़ कुछ ताज तरीन मालूम के साथ सबसे पहले आप सबको रमज़ान करीम बहुत बहुत रमज़ान की सहादतें बरक़ात मुबारक हो और इन शाह ताली ईद आने वाली है और पेश की आप सबको ईद की मुबारकबाद भी काफ़ी दिनों से आ, इमिग्रेशन से मुतल प्रोग्राम नहीं किया था लेकिन आ, बहुत सारी नई तब्दीलियाँ आने वाली थी और मैं उम्मीद कर रही थी कि अच्छी तब्दीलियाँ आएंगी तो मैं जाकर अपने नाजरन के साथ शेयर करूँगी लास्ट प्रोग्राम में मैंने वादा किया था कि अप्रैल में जो हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर शान फ्रेजर उन्होंने कहा था कि अप्रैल में कोई ऐसी धमाका खेज खबरें आने वाली हैं कि जिससे बस तमाम इमिग्रेशन से मुतल मसाइल हल हो जाएंगे स्किल वर्कर कैटेगरी को लेकर लेकिन ऐसा हुआ नहीं ऐलान ज़रूर किया उन्होंने लेकिन वो ऐलान सिर्फ कुछ रेफ्यूजी क्लेमेंट्स ओवरसीज़ के लिए था कि जो यहाँ पे जॉब की शॉर्टेज है उससे मुतल तो वो मसला हल नहीं हुआ और मेरे कई पोटेंशल क्लाइंट जिनको मैंने कहा था कि अप्रैल तक आपको ज़रूर कोई ना कोई अच्छी खबर मिलेगी अनफॉर्चुनेटली कोई मेरे पास खबर नहीं आई आए। ऐसी कि मैं ज़रूर शेयर करती और था यही कि ऑक्यूपेशन बेस्ड स्किल वर्कर प्रोग्राम की कुरानदाज़ी होगी और अभी तक उस सिलसिले में कुछ हुआ नहीं हो सकता है एक दो हफ्तों में कुछ हो तो मैं ज़रूर नाजरीन के साथ शेयर करूंगी। इस वक्त तक हालात तो वही हैं जो पहले थे आ, जो स्कोर है वो लास्ट जो कुरानदाज़ी या ड्रा हुई थी स्किल वर्कर एक्सप्रेस एंट्री की 483 यानी 483 जो कि अभी भी काफी हाई है और अक्सर लोग मुझको मुझसे कांटेक्ट करते हैं رابطہ करते हैं कि हमारा चाह रहे हैं। लेकिन आ, उनके मुझे पता है कि जो मैं उनका सीवी वगैरह देखती हूँ उम्र की वजह से या और दूसरी रीजंस इंग्लिश की वजह से उनके पॉइंट्स बहुत सारे लोगों के मैक्सिमम जो हैं साढ़े चार सौ पर आकर रुक जाते हैं तो मैं उन लोगों से कहूँगी कि अभी थोड़ा और इंतज़ार करें इन ताला अगर आगे कोई अच्छी न्यूज़ हुई फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम से मुतालिक मैं ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोगों को उसके बारे में तफसील से बताऊँगी आने वाले प्रोग्रामों में दूसरी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा मैं स्पाउजल स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन और ह्यूमैनिटेरियन कम्पेशनट ये दो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ और करती आ रही हूँ काफ़ी सालों से तो अब तमाम का तमाम अक्टूबर सॉरी सेप्टेम्बर 2022 से हर प्रोग्राम जो है अब इस्पाजॉानसरशिप का वो समझ लें कि बस ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए है और ऑनलाइन पोर्टल में भी मुस्तकिल तब्दीलियां आती जा रही हैं कुछ हफ्तों पहले ये था कि आप फॉर्म प्रिंट करके साइन करके लगाने होते थे अब जो है उन्होंने तब्दीली की आसानी के लिए कि नहीं आपको आ, प्रिंट करके हाथ से साइन करने की जरूरत नहीं है तो ये तमाम तब्दीलियां आती रहती हैं और इतनी ज़्यादा हैं कि हम लोगों को भी उ, उस पर बिल्कुल ताज़ा तरीन मालूम के साथ अपने क्लाइंट्स को हेल्प करने के लिए हमें तो मालूम करनी ही होती हैं लेकिन वो लोग जो खुद से अपने एप्लीकेशन अपने शोहर या बीवी या आ, और अपने दूसरे के लिए जो स्पॉन्सरशिप करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि अगर वो खुद से पहली दफा करें तो जरूर किसी न किसी माहिर से मशवरा जरूर ले लें जरूरी नहीं मुझसे नहीं किसी से भी जो भी सर्टिफाइड आर है यानी रजिस्टर्ड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर या जिससे भी आपको तसली हो कि आपको सही जो खदमें फराहम करेंगे ठीक है तो आ, मैं टाइम के बारे में बता दूं मेरे जो कई के केसेस हैं आ, जो के आ, मैंने समझ लें कि नवम्बर में किए थे उनका अभी तक जवाब नहीं आया है लाइक ए ओ आर जो एक्नोलॉजी कहलाती है जिसमें फाइल नंबर इशू होता है और उसके बाद आ, आपकी फाइल एक तरह से सिस्टम में आ जाती है आ, कुछ को पाँच महीने से ज्यादा हो गए कुछ उनका जवाब नहीं आया है और कुछ एप्लीकेशन जो मैंने फरवरी में की कुछ मार्च में की और उनका फौरन से पेशता जवाब आ गया कुछ का तो एक हफ्ते में आ गया जो कि बहुत ही गैर मामूली बात है लेकिन इसका मतलब यह है कि कोई राइम रीजन नहीं है कोई एक टाइमलाइन के हिसाब से ऑफिसर्स नहीं चल रहे हैं और इत मिलती जुलती एप्लीकेशन थी कोई ऐसा नहीं है कि इनमें बहुत ज्यादा फर्क था एप्लीकेंट या स्पॉन्सर को लेकर मिलती जुलती एप्लीकेशन थी और उनमें भी इतना ज्यादा तजाद पाया जा रहा है तो कई दफा क्लाइंट जो है वो बहुत अपसेट होते हैं नाराज होते हैं फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ओ देखें मेरे एक रिश्तेदार का तो एक दो हफ्ते में आ गया या चार महीने में आ गया मेरा अभी तक क्यों नहीं आया तो ये जो टाइम हैं ये बहुत ही अनप्रडिक्टेबल हैं और इनके बारे में कुछ भी आ, हतमी तौर पे कहना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है जब क्लाइंट हमसे पूछते कितना वक्त लगेगा वो जो पोस्टेड टाइम है वो तो जाहिर है कुछ और कहता है लेकिन एक्चुअल में जो है वो ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने ज़्यादा यू नो तेज़ी से, आ, आ, से आ, काम अपना दिखाते हैं और एप्लीकेशंस को अप्रूव करते हैं ठीक है तो ये मुझे बताना था कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का आ, दो हफ्ते में या तीन हफ़्ते में एक्नोलिजमेंट या ए आ गया है और किसी का अगर चार महीने से नहीं आया तो उसमें कोई मसला है ये सिर्फ ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो ये ऑनलाइन पोर्टल्स के हवाले से मैंने आपको बताया इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन कंपेशनट क्लास वो भी ऑनलाइन हो गई है रेफ्यूजी केसेस भी मैं करती हूँ जैन रेफ्यूजीज और वो भी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हो गए हैं तो का, काम में आसानी जरूर हो गई है लेकिन काम की नौयत बदल गई है पहले यह होता था कि आपके सामने फॉर्म्स हैं आपने क्लाइंट को बिठाया सामने फॉर्म्स फिलआउट की ये साइन कराया सबमिट कर दिया अब ये है कि क्लाइंट्स को भी जाकर पोर्टल में साइन करना होता है और उनकी आ, उनकी कंसेंट के बगैर हम लोग या उनकी इजाजत के बगैर हम लोग एप्लीकेशन जो है सबमिट दाखिल नहीं करा सकते ठीक है तो ये दो चीजें अहम थी जिनके बारे में मैं चाह रही थी आप लोगों को बताना और मालूमत फरहम करना इसके अलावा मेरे, मेरे पास गुजश्तर कई दिनों से अः सवाल आए हैं कि जैसे कि एक स्पॉन्सर है आ, उसने अपनी बीवी को स्पॉन्सर किया और तीन साल हो गए हैं होने वाले हैं लेकिन उन लोगों के ताल्लुक ख़त्म हो गए डिवोर्स हो गई तो अब क्या वो दूसरी शादी करके आ, अपनी दूसरी बीवी को स्पॉन्सर कर सकते हैं तो देखिए तीन साल का जो अरसा है वो लैंडिंग से लेकर जो पहली बीवी के और जब तक के वो तीन साल का अरसा पूरा नहीं हो जाता जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई पहली जनवरी 2020 को किसी ने लैंड किया है एज ए स्पॉन्सर्ड पर्सन तो जब तक के 2023 का की जनवरी ना गुजर जाए तो जब तक के आप दूसरे अपने वाइफ को या बीवी को या जो विश अगर कोई शौहर है तो उसको आप तीन साल से पहले स्पॉन्सर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते ये स्पॉन्सर की बात है तो दूसरा जो एक एक तरह से रुकावट है वो है पाँच साल की रुकावट उस शख्स के लिए जो कि खुद स्पॉन्सर होकर आया है जैसे कि मैंने अभी आपको मिसाल दी कि अगर कोई जनवरी 2020 को कोई लड़का या लड़की एज ए जिसको उसके हस्बैंड या वाइफ ने किया हो वो अगर आए और उसकी शादी किसी भी वजह से आगे ना चले तो स्पॉन्सर्ड पर्सन जो है जो एप्लीकेंट है जो ओवरसीज से यानी पाकिस्तान से इंडिया से कहीं से भी आए उसके लिए पांच साल का बार है वो पांच साल से पहले हरगिज नहीं कर सकती अनलेस there is an unless unless यह है खुदा ना खासा अगर कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप है तो उस उस उसके साथ वो अपनी खुद की एप्लीकेशन दाखिल कर सकती है यहाँ से और आ, आ, वो उसकी क्योंकि स्पोंसरशिप तो फिर कैंसिल भी हो सकती है बात ज्यादा लोगों की राइट right? तो लेकिन स्पोंसरशिप कैंसिल करना इतना आसान नहीं है लेकिन अगर कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप में है तो उनके लिए गवर्नमेंट ने और इमिग्रेशन कनाडा ने कुछ सहूलियत रखी हैं और उस उस सिलसिले में अगर आप चाहते हैं मुझसे मशवरा लेना या आप चाहते हैं कि मजद मालूम हासिल करें जरूर मुझसे रही कीजिएगा तो दो दो चीजें जहन में रखें तीन साल का जो है अर्सा जो स्पॉन्सरशिप की बार है वो स्पॉन्सर के लिए कनेडियन सिटीजन या पी है और पांच साल का जो अरसा है रुकावट का या बार लगी हुई है वो एप्लीकेंट या स्पॉन्सर्ड पर्सन जो यहाँ पे आता है ठीक है या आती है और एक और सवाल जो काफ़ी अक्सर मेरे पास आता है वो है आ, उन बच्चों के लिए डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए जो जिनको किसी भी वजह से वालदे ने अपनी एप्लीकेशन में शामिल नहीं किया बाफ़ा ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को आ, कोई ऐसी बीमारी होती है और माँ बाप समझते हैं कि अगर हम उन बच्चों को अपने एप्लीकेशन में शामिल करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन भी ख़राब हो जाएगी तो उन बच्चों को वो किसी रिश्तेदार के पास पीछे छोड़ देते हैं राइट तो उन बच्चों के लिए मैंने उस तरह के केसेस काफ़ी किए हैं और अगर इस तरह का कोई केस है आप मुझसे रब्ता जरूर कर सकते हैं उसके अलावा बाजा ऐसा भी होता है कि कोई एक पहले कोई एक शादी हुई या शादी ख़त्म हो गई पहली शादी और उसमें आपको पता भी नहीं था कि कोई बच्चा पैदा हुआ है और आपको चंद सालों बाद पता चलता है कि ओ आपको मालूम होता है कि अरे मेरा बच्चा है एक या बच्ची है तो वो उस तरह के केसेस भी मैंने काफ़ी किए हुए हैं डिपेंडेंट बच्चों के लिए आ, तो आप उस अगर इस तरह का कोई आपका केस है तो उसमें भी आप मुझसे ज़रूर राबता कर सकते हैं और इन शाह मैं आपको सही मशवरे के साथ आपकी मदद करूंगी अगर आपको आ, मदद की ज़रूरत होगी तो इसके अलावा हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड उर्दू से इंग्लिश तर्जुमे का की सहूलियात मौजूद हैं और आप हमसे रबता क़ायम कर सकते हैं फ़ोन के ज़रिए भी वेबसाइट पर जाकर भी हमारी वेबसाइट है कैन एम सोल्यूशनस एट डॉट सी ए और जो ई uh, मेल है वो आप इन्फ़ो एट कैन एम सोल्यूशनस डॉट सी ए पर आप ई मेल कर सकते हैं और देखिए फ़ोन कभी कभार ऐसा होता है कि फोन करते हैं आप हो सकता है मैं दूसरी लाइन पर हूं तो फोन वॉइस मेल पर भी जा सकता है लेकिन ईमेल ऐसी चीज है कि वो ईमेल तो सामने आती है और आप उसका जवाब आप देते ही हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप ईमेल से ज़रूर मुझसे राबता करें अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई केस है जिसके सिलसिले में आप मुझे मुझसे रब्ता करना चाहते हैं ठीक है तो इन शाह अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी और मैं आपसे तो करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा और इनशाला जरूर मुलाकात होगी ईद के बाद आप सबको ईद की पेशगी मुबारक और इनशाला ताला आ, हम दोबारा से नए सेशन के साथ आपसे मिलेंगे अलमैकम वरहमत लाई वा